दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं, जो इस वक्त आ रही है। नेता प्रतिपक्ष पुखराज पाराशर धर्मेंद्र राठौर, सत्वी चौधरी सीएमआर पहुंच चुके हैं, पवन गोदारा भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का आभार भी व्यक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजनीतिक नियुक्तियां मिलने पर यह आभार व्यक्त किया गया है। पुखराज पाराशर धर्मेंद्र राठौर, सत्वीर चौधरी सीएमआर पहुंच चुके हैं और यहां पर आपको बता दें कि पुखराज पाराशर के साथ धर्मेंद्र राठौर और सत्वीर चौधरी सीएमआर पहुंचे हैं। पवन गोदारा भी यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। ये सभी गणमान्य पहुंचे हैं और अशोक गहलोत का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। राजनीतिक नियुक्तियां मिलने पर यह आभार व्यक्त किया गया है। तो बता दें कि इन तमाम गणमान्यों ने सीएमआर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है और जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं उसको लेकर यह आभार व्यक्त किया गया है। सीएम आवास पर गणमान्य पहुंचे, आपको बता दें कि पवन गोदारा पहुंचे, पुखराज पाराशर धर्मेंद्र राठौर यहां पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत का उन्होंने आभार व्यक्त किया। ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं, जो नियुक्तियां उनको मिली हैं उसी पर ये आभार व्यक्त किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक साथ तमाम नेता पहुंचे हैं यहां पर मुख्यमंत्री के आवास पर और यहां पहुंचकर सीएम का आभार प्रकट किया है। बता दें कि अब से पहले राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी और इन नियुक्तियों को लेकर पदभार जो है सौंपा गया था और इसी नियुक्ति को लेकर ये आभार व्यक्त किया गया है। बता दें कि सीएमआर पहुंचे हैं और अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। तो पुखराज पाराशर धर्मेंद्र राठौर सत्वीर चौधरी और इसके साथ पवन गोदारा भी मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। सभी ने यहां पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, बातचीत की और साथ ही साथ जो नियुक्तियां जिस तरह से की गई हैं उनको लेकर आभार व्यक्त किया है। राजनीतिक नियुक्तियां मिलने पर यह आभार व्यक्त किया गया है और यहां पर उन्हें सीएम अशोक गहलोत के साथ बात भी की, चिंतन मंथन किया, साथ ही साथ अपना आभार व्यक्त किया। सीएमआर पहुंचे सभी तमाम मंत्री।